तो हे गाइस, वेलकम टू सूर्य एंड गेमर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे। सो गाइस, हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ और हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J2, जिसमें कि आप आज मैं बताऊंगा कि मैं कैसे गेम खेलता हूँ जिसकी वजह से मेरा फ़ोन जो है हैंग नहीं होता। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देख लेना मेरे भाई, अगर स्किप किया तो बहुत ही पछताओगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप पहले तो देखो, रुक जाओ, पहले मैं अपनी सेटिंग खोल लेता हूँ। तो मेरी मोबाइल जो है देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J2 के नाम से, और मॉडल भी देख सकते हो, मॉडल नंबर SM J2 00G। तो यही है मेरा मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी J2। तो अभी मेन सेटिंग में चले जाते हैं। हम आ चुके हैं मेन सेटिंग में। देखिए, मैं हमेशा 1.5 GB से ज़्यादा जो है स्टोरेज खाली करके खेलता हूँ, इसलिए बहुत ही अच्छा खेल पाता हूँ। बस रिकॉर्डिंग करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है तो लैग मारने लगता है थोड़ा थोड़ा भाई। हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, आप लोगों के लिए इतना तो सह ही सकते हैं ना। तो और एक बात, आप अगर आपके पास ये है तो आप इधर आइएगा और जो कैश डाटा है फिर उसको डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि उसको डिलीट करने से आपका स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आप रैम में चलते हैं, आप रैम को देख सकते ही हो, टोटल जो है 1 GB रैम है, अभी बस 246 MB फ्री है, तो इसको भी आपको एंड ऑल कर देना है। जैसे ये हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा खाली दिखेगा, देखो मेरा वाला 312 हो गया। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हो? आपका मोबाइल जितना बड़ा नहीं है आप उतने सारे ऐप्स रखते हो। देखो मेरी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ मेरे पास हैं, जैसे कि ये रहा फ्री फायर, फेसबुक, फेसबुक से लॉगिन है ना फ्री फायर, इसलिए बस है। तो और ये मैं वीडियो एडिट करता हूँ इसलिए काइन मास्टर डाउनलोड किया हूँ। तो ये रहा मेरा काइन मास्टर, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक जेंडर है, व्हाट्सएप है, और वीडियो रिकॉर्डिंग है, और यूट्यूब स्टूडियो है, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। हाँ पिक्सल लैब की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर उसकी जब ज़रूरत पड़े ना थंबनेल बनाना हो तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, और फिर थंबनेल बनाने के बाद फिर इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या होता है कि अगर वो भी डाउनलोड करके रखूँगा तो मेरा स्टोरेज जो है आप देख ही सकते हो इतना अभी खाली है, तो ये फुल हो जाएगा और फिर मुझे भी असुविधा होगा आपके लिए वीडियो बनाने में, इसलिए मैं उसे डाउनलोड करता हूँ और डिलीट भी कर देता हूँ। और आपकी मेन जो चीज़ होती है ना भाई, वो आएगी अब तो देखो। ये क्या, मैं स्टोरेज पे, अपने स्टोरेज पे गया, डिटेल्स पे चले जाता हूँ, और ये देखो मुझ में मेरे फ़ोन में जो चिप्स है, SD कार्ड जिसे बोलते हैं, SD कार्ड जो है वो 2 GB का है, और मेरे फ़ोन में जितने भी चीज़ें हैं वो सब फ़ोन के अलावा चिप्स में ही है। तो डेटा में सब है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो आप साइट में देख रहे होगे फोटो के साइट में, जो नीचे वाले वहाँ पे चिप्स का ऑप्शन आ रहा है, तो जितने भी चीज़ें मेरे पास हैं वो सब चिप्स में है। ये देखिए, ये देखिए, और नीचे नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे क्या ही बोले, छोड़ो। तो ये देखिए मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो चिप्स में हैं, कोई भी मोबाइल में नहीं है, बस ये जो एप्स हैं वो मोबाइल में है। और जेंटर की बात छोड़ ही दो क्योंकि वो तो मेमोरी में है, क्योंकि मैंने उसको मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, रुक जाए थोड़ा सा, आने दीजिए, ये रहा। तो ये दिखा रहा है आपको मूव टू डिवाइस स्टोरेज, तो मैंने इसे अब SD कार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो इसलिए ये SD कार्ड में तो मेरे मोबाइल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता।
और सबसे बड़ी बात भाई, सेटिंग जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी अभी सेटिंग ओपन करना है, फिर एप्लीकेशंस में चले जाना है, फिर एप्लीकेशन मैसेंजर में, और इतनी यहाँ पे डाउनलोड पे जितनी भी सारी एप्लीकेशन दिखे ना भाई, उस पे जाना है, और ये देखो क्लियर कैच, क्लियर कैच को क्लियर कैच कर देना, हर एक का करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। बस मेरा तो हो गया, मैंने एक बार किया था तो अगर इतने हो गए। और एक चीज़ है, अगर आपको फ्री फायर खेलना हो तो आप फोन को एक बार रीसेट कर लीजिएगा, रिस्टार्ट कर लेके फिर खेल सकते हैं, क्योंकि रिस्टार्ट करने से बैकग्राउंड, ये देखिए बैकग्राउंड में जितने भी चार चीज़ हैं पहले इसको हटा दीजिएगा, फिर रिस्टार्ट कीजिएगा और फिर गेम खेलिएगा, देखा देखेंगे तो आपका फिर गेम जो है बहुत ही स्मूथ चलेगा भाई, बहुत ही मक्खन की तरह चलेगा, एकदम मक्खन की तरह, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि वो 2 GB RAM का फ़ोन है या फिर 3 GB RAM का फ़ोन है। बस इतना ही आज के वीडियो में, आज अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, टाटा एंड बाय बाय गाइस। और हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वीडियो को बिना लाइक किए कहाँ जा रहे हो यार, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले ही जा रहे हो आप, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।